इंडस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई डेटिंग र्यूमर सामने आती रहती है। इस वक्त ऐसी ही एक जबरदस्त र्यूमर चल रही है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को लेकर। क्या कुछ है ये पूरी डिटेल, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि जहीर इकबाल, जिन्होंने सलमान खान फिल्म्स की नोटबुक से अपने करियर की शुरुआत की थी, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स गैदर किए थे। इस वक्त लगातार उनके डेटिंग र्यूमर सामने आ रहे हैं, वो भी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। कई बार ये दोनों साथ में स्पॉट होते हैं, कई बार ये दोनों साथ में पार्टी करते हुए और अपने घर पर चिल आउट करते नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार ये सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जहीर इकबाल से हाल ही में जब इस बारे में सवाल किया गया तो जहीर कहते हैं, नाउ इट हैज बीन सो लॉन्ग आई डोंट इवन केयर अबाउट इट। आई एम लाइक ओके इफ यू थिंक देन यू थिंक कीप थिंकिंग इट्स गुड फॉर यू इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन आई एम विद हर देन इट इज गुड फॉर यू देन इफ इट मेक्स यू अपसेट आई एम सॉरी स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट बट इट इज अ पार्ट and parcel of this industry. I knew it way before I joined the industry. I knew that actors go through this because I have a few friends who are a part of this industry. Salman bhai has always told us that aisa bahut log likhenge but you have not to get affected. Don't pay too much attention to it. So I really don't pay attention to that. Well, definitely aisa lagta hai ki Zaheer Iqbal jo hain wo is waqt Salman Khan ki advice ko apni life mein follow kar rahe hain. Work front ki baat ki jaye to Zaheer Iqbal bahut jald nazar aane wale hain सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में। माना जा रहा है कि आयुष शर्मा के साथ जहीर इकबाल सलमान खान के छोटे भाई का किरदार प्ले करने वाले हैं और इस फिल्म में एक बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका होने वाला है। वेल, क्या है आपको कहना इस चीज पर, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। नहीं मैम प्लीज प्लीज भी यहाँ पे पहले काम वो बाद में कर लेंगे मैम। पहले रुको रुको बेटा ये छुपी रुको तुम लोग मैम यहाँ पे आप मैम यहाँ एक एक मिनट मैम सेंटर मैम मैम यहाँ मैम यहाँ थैंक यू सो मच।